हेलो एवरीबॉडी, आप सभी हैं अभी एवरीडे स्माइल चैनल पर। मैं सुधा सिंह आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं चाउमीन बनाने जा रही हूँ, आइए चलते हैं किचन में। ये देखिए, चाउमीन के लिए चिंग्स का वेज नूडल्स लिया है और इसमें डालने के लिए मैं थोड़ा सा मटर ले ली हूँ, एक मीडियम आकार का प्याज, दो हरी मिर्च है और शिमला मिर्ची को मैं काट कर रख ली हूँ। और दूसरी तरफ मैं गैस पर पानी बॉयल होने के लिए दे दिया है। अब इसमें मैं नूडल्स को काट कर बॉयल होने दे देती हूँ। इसे मैं काट कर अभी पानी में बॉयल होने दे देती हूँ। गरम पानी में नूडल्स डालकर 2 से 3 मिनट तक उबालना है। नूडल्स को थोड़ा हम कच्चा ही रखेंगे क्योंकि ये फिर सब्जियों के साथ भी इसे पकाना है। नूडल्स बॉईल हो गया है और इसे थोड़ा कच्चा ही रखना है, नहीं तो ज्यादा पक जाएंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे। एक पैन में चढ़ा दी थी, उसमें रिफाइंड तेल डाल दी हूँ 1 चम्मच, छोटी चम्मच। अब इसमें मैं प्याज और कटी हुई मिर्च डाल दूंगी। हल्का ब्राउन होने तक हम इसे भूनेंगे, इसके बाद इसमें सब्जियां डाल देंगे। प्याज को मैं मीडियम फ्लेम में इसे हल्का गुलाबी होने तक पका दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी शिमला मिर्च और साथ ही साथ मटर भी डाल देंगे और इसे भी 2 से 3 मिनट भून लेंगे। स्वाद अनुसार नमक, आप जितना नमक पसंद करते हैं उसके अनुसार, और इसे कवर कर देंगे और थोड़ी थोड़ी देर में ढक्कन हटा के चलाते रहेंगे। सब्जी हमारी कुक हो गई है, ये देखिए। आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां डाल सकते हैं, गाजर, बीन्स और जो आपको पसंद है वो सब्जियां डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ शिमला मिर्च और मटर डाली हूँ। अब इसमें डालेंगे सॉस। अब इसमें पहले डालेंगे किसान का टमाटो सॉस। थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस 1 छोटी चम्मच के बराबर। और अब डालेंगे इसमें सोया सॉस, ये भी थोड़ी सी, आधी चम्मच के करीब। बस, और इसे 1 मिनट भूनेंगे। अब ये सब्जियां पक गई है, सॉस भी थोड़े पक गए हैं। अब इसमें नूडल्स डाल दूंगी। इस तरह से इसको डालेंगे, ये अभी थोड़ा इसके साथ मिलाएंगे तो ये अपने आप अलग हो जाएंगे। हमारा नूडल्स तैयार हो गया है। आप अगर नॉन वेज खाते हैं तो इसमें आप अंडा भी डाल सकते हैं, चिकन के छोटे छोटे पीस भी डाल सकते हैं। हम आज वेज नूडल्स बनाए हैं और ये नूडल्स तैयार हो। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं इसमें खाते समय थोड़ा सा सॉस और भी टमाटो सॉस मिला लूंगी। झटपट नूडल्स तैयार हो गया है। अगर आपको ये विधि पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और साथ में बेल वाले बटन भी दबा दीजिए ताकि मैं अगला वीडियो डालूं तो उसका लिंक आपको मिल जाए। ओके, बाय।